इस वेले की वड्डी खबर पंजाब दे विच करोना दे नवे वेरियंट ओमीक्रॉन का पहला केस सामने आया है। नवा शहर दे विच ए पहला केस है जो ओमीक्रॉन का पॉजिटिव पाया गया। स्पेन तो यह शख्स अपने घर फैमिली दे विच वापस मुड़िया से जिसकी ओमीक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल गनीमत है कि शख्स की हालत बिल्कुल ठीक दसी जा रही है। मुकंदपुर के नज़दीक का रहने वाला यह शख्स जिसकी पहला कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई से उसके बाद उन्होंने आइसोलेट किया गया और ठीक भी हो गए, ठीक होकर घर चले गए। लेकिन 28 दिसंबर नू जो ओमीक्रॉन के वास्ते सैंपल दिता होया सी उहदी रिपोर्ट आई तो वह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उहदे जो फैमिली है उसके दो लोग होर भी करोना तो उन्होंने रिपोर्ट आई है कि वह भी करोना तो अफेक्टेड ने। तो इस दे बाद एहतियात दे तौर दे उपर सख्ती बरती जा रही है। नवा शहर दे विच लोकां नू जो होर लोगों के संपर्क आए होंगे उन्हां दी जांच भी की जा रही है। फिलहाल फैमिली दे भी सारे जो सैंपल लए गए ने टेस्ट किए गए ने ते दो लोगों की रिपोर्ट आई है कि वह इफेक्टेड ने करोना तो। पहला केस नवा शहर तो पिछली बार भी जो एक बुजुर्ग सन नवा शहर तो उन्हां दी रिपोर्ट सब तो पहला पॉजिटिव आई सी। पंजाब दे विच जो होले मोहल्ले चले गए तो उसके बाद केस लगातार नवा शहर जिले दे विच वध गए सन। पंजाब दे विच नवा शहर तो शुरुआत हुई सी केस वधन दी ते इस बार भी पहला केस ओमीक्रॉन दा नवा शहर तो सामने आया है। पूरी एहतियात बरती जा रही है। जो शख्स पॉजिटिव आया स्पेन तो आया सी 4 दिसंबर के करीब अपने घर दे विच 12 दिसंबर नू उहदी करोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आंदी है। उसके बाद उन्होंने आइसोलेट किया जाता है, पूरी फैमिली ठीक हो जाती है तो उन्होंने घर भेज दिता जाता है। लेकिन इस दरमियान जो ओमीक्रॉन के वास्ते सैंपल भेजे गए थे वह 28 दिसंबर नू पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद होर ट्रेसिंग की जाती है। दो लोग फैमिली के होर ने जिन्हें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब दे विच पहला केस है। नवांशहर के डीसी के वालों इसकी पुष्टि की गई है। तो यह इस वेले की वड्डी खबर ओमीक्रॉन जो नवा वेरियंट है पूरी दुनिया के विच इसनों लैके दहशत फैली हुई है। लेकिन पंजाब दे विच हाले तक कोई केस सामने नहीं आया सी। लेकिन नवा शहर दे विच अज ये पहला केस ओमीक्रॉन का सामने आया है। जो डीसी ने विशेष सरंगल और ट्वीट कर देने कि नथिंग टू वरी एज ऑल हिज कॉन्टैक्ट्स वर ट्रेस्ड एंड द चेन वॉज आइडेंटिफाइड एंड ब्रोकन। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हें भी लोग उन्होंने कॉन्टैक्ट आए सन उन्होंने ट्रेस किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है तो जी चेन है वह अगे नहीं वधेगी। उन्होंने सारे क्वारंटीन किया गया है तो वह अपने घर वापस भी जा चुके हैं करोना नैगेटिव रिपोर्ट आने के बाद। इस करके प्लीज़ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना जरूर की जाए लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब दे विच पहला केस है जो ओमीक्रॉन का सामने आया। देश के कई सूबे केस सामने आए हैं, वध भी रहे हैं। खतरनाक इसलिए मनिया जाता है इसमें क्योंकि तेजी नाल फैलता है। जो हुण तक के दावे ने जो रिपोर्टा ने उन्होंने यही किया जा रहा है कि यह वेरियंट तेजी नाल फैल रहा है। पहला कुछ दिन पहला जो चंडीगढ़ के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उसकी भी हालत बिल्कुल ठीक सी, कोई ज़्यादा लक्षण उस दिखाई नहीं दे रहे। तो यह भी शख्स कुछ इस तरीके के नाल बिल्कुल ठीक ने, कोई परेशानी सेहत संबंधी उन्होंने नहीं है। जो करोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी वह उसके बाद नैगेटिव भी आ चुकी है तो अपने घर ठीक हो के जा भी चुके हैं। लेकिन इस दरमियान जो ओमीक्रॉन के वास्ते सैंपल भेजा हुआ से उसकी रिपोर्ट 28 दिसंबर नू आई है तो उन्होंने रिपोर्ट के पाया गया कि ओमीक्रॉन तो वह इफेक्टेड ने। पहला केस पंजाब दे विच हाले कल ही जो रिव्यू मीटिंग हुई है सेहत मंत्री वालों की गई है उन्होंने यही कहना सी कि फिलहाल पंजाब च असी कोई सख्ती नहीं कर रहे, पाबंदी नहीं लगा रहे। लोगों को यह अपील जरूर है कि जो करोना प्रोटोकॉल होंगी वो पालना की जाए, अपनी जो वैक्सीन है उसको सुनिश्चित किया जाए कि दो डोजेज लगिया होन तो उ लोग बाहर जान पब्लिक प्लेसिस से जान जिन्होंने दो डोज लगी हुई है। लेकिन फिलहाल की पाबंदियां पंजाब च नहीं लगाई गई जिवें दिल्ली के नाइट करफ्यू लग्या हो होर पाबंदियां ने 50% कपैसिटी कई जगह पर की हुई है। ऑड ईवन वाला रूल उत्थे अपनाया जा रहा है लेकिन पंजाब च फिलहाल इदा का कुछ नहीं है। जो सेहत मंत्रालय का भी कल कहना सगा जो सेहत मंत्री उन्होंने मीटिंग के बाद यही किया कि पंजाब दे विच फिलहाल एक भी केस नहीं है इसलिए असी कोई सख्तियाँ कोई पाबंदियां फिलहाल नहीं लगा रहे। लेकिन लोगों को अपील है कि एहतियात जरूर बरतन। तो अज जो नवा शहर दे विच एक केस सामने आया मुकंदपुर के नज़दीक का यह शख्स रहने वाला एक पिंड का जो स्पेन तो अपनी फैमिली नू मिलन आया सी लेकिन इस दरमियान उसकी करोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसनों एडमिट किया गया। फैमिली के दो लोग होर इफेक्टेड पाए गए, उन्होंने भी एडमिट किया गया सी ते वो सारे ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। लेकिन हुण जो रिपोर्ट आई है उहदे विच ओमीक्रॉन की पुष्टि हुई है कि करोना का जो नवा वेरियंट है उस तो भी यह शख्स इफेक्टेड है। पहला केस नवा शहर तो पंजाब दे विच ओमीक्रॉन का पॉजिटिव केस सामने आया है जिदे चलते
जो जिला प्रशासन है उन्होंने वालों भी ट्वीट किया गया, दसया गया कि कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव हुई वो सही सलामत है, ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर क्वारंटीन के जरूर रहेंगे। तो लोगों को अपील करते हैं नवांशहर के डीसी भी कि सारे एहतियात बरतन, जो बिहेवियर होंगे कोरोना प्रोटोकॉल में लैके उसकी पालना की जाए, तो जो किसी भी तरीके से कोई अणगहली वरत के असी मुसीबत मोल ना लै लीए। तो इस वक्त की वड्डी खबर, नवांशहर दे विच एक केस सामने आया, स्पेन तो शख्स लौटिया सी, 36 साल के करीब उसकी उम्र दसी जा रही है, जिसकी ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालत बिल्कुल ठीक है, कोई लक्षण नहीं ने, कोरोना वायरस तो पीड़ित होए सी, उसके बाद ये टेस्ट होया, कोरोना वायरस की रिपोर्ट नैगेटिव आ चुकी है, फैमिली अपने घर जा चुकी है, तो उसके बाद ओमिक्रॉन की रिपोर्ट के इफेक्टेड उन्होंने मिलिया पाया गया, लेकिन जो जिला प्रशासन है उन्होंने जानकारी दी है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फैमिली बिल्कुल ठीक है, जो शख्स पॉजिटिव आया ओमिक्रॉन तो उसकी हालत भी बिल्कुल ठीक है, कोई लक्षण उन्होंने नहीं ने, सेहत संबंधी कोई परेशानी का सामना उन्होंने नहीं करना पै रहा, लेकिन एहतियात के तौर पर क्वारंटीन रहेंगे। तो होर भी लोगों को अपील करते हैं कि तुम जो कोरोना प्रोटोकॉल होंगी है वो पालना जरूर करो। होर अपडेट्स लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी के साथ।